बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन बीते कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि अब वो अपने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐड के चलते लोगों के निशाने पर आ गए हैं। खबरों के अनुसार जोमेटो के एक ऐड के लिए उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लग रहा है। बता दें, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने ऋतिक के इस ऐड पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। साथ ही ऋतिक से माफी मांगने की भी बात कही है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो ने माफी मांगते हुए एक बयान जारी किया है। दरअसल विवाद को बढ़ता देख जोमेटो ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक माफीनामा लिखकर अपनी सफाई दी है। उन्होंने इसमें लिखा है, उज्जैन के विशिष्ट पिन कोड में चलने वाले ऋतिक रोशन स्टार विज्ञापन ने महाकाल रेस्तरा में थालीज को संदर्भित किया, न कि श्रेदर श्री महाकालेश्वर मंदिर को। महाकाल रेस्तरा उज्जैन में हमारे उच्च आदेश वॉल्यूम रेस्तरा भागीदारों में से एक है और थालीज के मेनू पर एक अनुशंसित वस्तु है। वीडियो एक अखिल भारतीय अभियान का हिस्सा है, जिसके लिए हमने प्रत्येक शहर में लोकप्रियता के आधार पर शीर्ष स्थानीय रेस्तरा और उनके शीर्ष व्यंजकों की पहचान की है। महाकाल रेस्तरा उज्जैन में अभियान के लिए चुने गए रेस्तरा में से एक था। हम उज्जैन के लोगों की भावनाओं का गहरा सम्मान करते हैं और विचाराधीन विज्ञापन अब नहीं चल रहा है। हम तहे दिल से माफी मांगते हैं, क्योंकि यहां इरादा किसी की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इसके बाद जोमेटो ने संपर्क करने के लिए अपना वेब एड्रेस भी दिया। फिलहाल अब इस पर एमपी के गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज पुलिस को जांच करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कार्यवाही में क्या कुछ होता है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।